सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा सर, जो टीवीसी रिलीज हुई है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो सर उसके बारे में क्या स्पेशल है और थोड़ा सा मेकिंग के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस जो टीवीसी है उसको बनाने का और क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत ही जो है नया कॉन्सेप्ट है, जिसने अब तक नहीं देखी है उसके लिए थोड़ा सा बताइए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर मराठी चित्रपटों से हूँ, तो इस क्षेत्र में मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं है, लेकिन कभी कभी इंदर और अमोल जैसे मित्र मिल जाते हैं जो एक अच्छे आइडिया लेके आते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, उनके पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप रुचि रखते हो इसको करने में। तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत आनंद मिला मुझे। एक मतलब है तो 60 सेकंड की ही फिल्म, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट है उसकी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। मतलब जब भी हम किसान इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने एक पुरुष की मूर्ति आ जाती है, मूछे फेटा, धोती और कांधे पर हल लिए या कोई कुल्हाड़ी वगैरह लिए वो चल पड़ा है कहीं काम करने के लिए, तो ऐसे पुरुष की मूर्ति ही आती है सामने। लेकिन इस फिल्म में यही जो स्टीरियोटाइप हमारे मन में है उसको धक्का देने की कल्पना की गई है, और किसान मतलब केवल पुरुष ही नहीं महिला भी हो सकती है, इस प्रकार की ये कल्पना लेके ये फिल्म सामने आई थी। कि जब वो बच्चा कहता है कि कल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं मेरी माँ बनूँगा, तो ठीक है, हम मतलब कल्पना करते हैं कि वो साड़ी पहन के आएगा, लेकिन वो स्टेज पे आने के बाद जब माँ के किसान होने की बात करता है तब बात हमारे पूरी तरह से जहन में उतरती है कि अच्छा, ये असल में मुद्दा है इस कंसेप्ट का, कि किसान इस शब्द का अर्थ केवल पुरुष किसान नहीं है बल्कि महिला किसान भी है, क्योंकि बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हमारी किसान ही है और सारे खेती बाड़ी के काम करती है, लेकिन उनको वो रिकग्निशन नहीं मिला था आज तक। जो इस महिंद्रा और जी की ये जो योजना बनी है उसके द्वारा उनको वो रिकग्निशन दिया गया है। सर, जैसे आपने कहा कि सिर्फ 60 सेकंड की टीवीसी है, कितना चैलेंजिंग होता है जब कम समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है ऑडियंस को, और दिल में डर भी रहता है कि क्या ऑडियंस उस बात को समझ पाएगी या नहीं, तो सर एज अ फिल्म मेकर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत कठिन बात है कि कोई भी बड़ी बात आपको 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 60 सेकंड में कहनी पड़ती है, तो ज़्यादातर उसकी शक्ति उस कंसेप्ट में होनी चाहिए। कि अगर वो कंसेप्ट ही शक्तिशाली है या आपको पकड़ने वाली है तो फिर आधी लड़ाई आप वहीं पे जीत लेते हो। तो जैसे हमारे मित्रों ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी तो आधी लड़ाई तो हमने वहीं पे जीत ली थी, और आधी लड़ाई का भार मेरे सर पर था कि जैसी वो अच्छी कंसेप्ट बनी है उतनी ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी फिल्म बने उसकी, और वो एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि आप जानते हो। तो फिर हमारी ये जो हमारी सारी वाइट स्क्रिप्ट की मंडली है वो जुट गई, हमारे पीछे खड़ी हो गई पूरे शक्ति से, और फिर अच्छा कास्टिंग हमें मिला, अच्छे लोकेशंस मिले जो कि इस फिल्म को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के काम आए, क्योंकि वो परिणामकारकता भी महत्वपूर्ण होती है। केवल एक अच्छी कंसेप्ट का होना ज़रूरी नहीं है, वो कितनी परिणामकारकता के साथ, कितने इफ़ेक्ट के साथ लोगों के सामने पहुंचती है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, बस तो उसी दिशा में हमने कार्य किया और फिल्म बन गई। सर, आपकी फिल्म की बात करें या फिर इस टीवीसी की बात करें, एक समाज को एक आईना दिखाती है और मतलब समाज में क्या क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज पर ज़्यादा करके फोकस करते हैं, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं तो क्या खास चीज़ें देखते हैं उस प्रोजेक्ट में, क्या कुछ स्पेशल होना चाहिए और किस तरह की मेहनत करते हैं आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर? जी देखिए, अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है आपके सामने कि जो किसी समस्या पर आधारित है या किसी कोई बहुत ही अलग विषय पर आधारित है, जो विषय समाज के सामने आना चाहिए वगैरह वगैरह,
तो उसका अपना एक ग्लैमर होता है, उसका अपना महत्व होता है, लेकिन केवल अच्छा विषय होने से वो फिल्म अपने आप अच्छी नहीं हो जाती। उसको एक फिल्म के तौर पर अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ता है। केवल विषय का सहारा लेके, कंसेप्ट का सहारा लेके अच्छी फिल्म अच्छी नहीं बनती, वो अच्छी फिल्म बननी पड़ती है, उसको बनाना पड़ता है। तो उस दिशा में मैं ज़्यादा विचार करता हूँ कि ठीक है, विषय तो अच्छा है, कथा भी अच्छी है, कास्टिंग अच्छा हुआ है, लेकिन क्या एक निर्देशक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या मैं इसकी शक्तिशाली फिल्म बनाने में सफल हो जाऊंगा या नहीं। क्योंकि चित्रपट ये माध्यम, जैसे हम कहते हैं, निर्देशक का होता है ज़्यादा, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, ये नॉन परफॉर्मिंग आर्ट है। तो इसलिए इस पर जो बाहरी के संस्कार होते हैं और शूटिंग के पश्चात जो उस पर संस्कार होते हैं, जिसको हम पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो ऐसी कला होने के कारण बहुत सावधानी से हर दृश्य को आपको चित्रित करना पड़ता है। सर, अगर आपके जर्नी की बात करें, काफ़ी मोटिवेशनल जर्नी रही आपकी, हमारी व्यूवरशिप भी बहुत सारी यूथ है, तो सर आपके लाइफ का और आपकी जर्नी का ऐसा कौन सा चैलेंजिंग पार्ट था जिसको आपने ओवरकम किया हो, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ। हाँ, मेरी पहली फिल्म मैंने बनाई थी दादा साहब फाड़के के जीवन पर नहीं, उन्होंने भारत की पहली फिल्म कैसे बनाई थी उसकी कथा मैंने सबको दिखाई थी हरीश्चंद्रा जी फैक्ट्री में। तो वही, वो जो अपनी पहली फिल्म होती है उसको पूर्ण करना और दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उस वही एक बड़ा आह्वान होता है, वही बड़ा चैलेंज होता है किसी भी फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए, जो आपका डेब्यू कर रहा है इस क्षेत्र में, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जिस तरह से उसको सराहा गया, जिस तरह से लोगों ने उसको सर पे उठा लिया, तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। मैंने इतनी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन आश्चर्य और आनंद बहुत हुआ मुझे कि केवल मेरी पहली फिल्म को सराहा गया, ये आनंद कम था। दादा साहेब फाल्के की ये कथा पहली बार भारतीय दर्शकों ने उसके पूरे रूप में देखी थी, क्योंकि ये एडवेंचर फाड़के साहब की किसी को पता नहीं थी। सब वो एक वाक्य जानते थे कि फाड़के जी ने भारत की पहली फिल्म बनाई है, लेकिन कैसे बनाई है, क्या क्या पापड़ बेले हैं उसके लिए, तो ये उनकी जो साहस कथा थी और पूरे उनके फैमिली की, वो पता नहीं थी। तो मुझे ज़्यादा आनंद इस बात का है कि उनकी कथा बड़े जोरों शोरों से लोगों तक पहुंची। राइट सर, जैसे आपने पहले ही फिल्म से चैलेंज उठाना शुरू कर दिया था, तो इन दिनों जो है बहुत सारी फिल्में कंटेंट ड्रिवन फिल्म आ रही है, वो हिंदी हो, मराठी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, लोग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एज अ फिल्म मेकर सर कितना फ्रीडम मिलता है जब इस तरह की फिल्में ऑडियंस भी अप्रिशिएट करती है और ऐसी फिल्में बनाई भी जा रही है, तो एज अ फिल्म मेकर क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम है कंटेंट को लेकर? हाँ, बिल्कुल, आजकल अच्छा वातावरण है चित्रपट जगत में, क्योंकि हर किसी भाषा में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। देखिए, कंटेंट तो पहले भी था, हाँ, मतलब 40 और 50 के दशक में, 60 के दशक में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं और बड़ी ज़ोरदार कंटेंट की फिल्में बनी हैं, तो कंटेंट पे हम कहीं कम नहीं थे। लेकिन उस कंटेंट को लेकर एक, अब आप एक चित्रपट बना रहे हैं, राइट, तो चित्रपट की क्या विशेषता आनी चाहिए उसमें, इस माध्यम की क्या शक्ति आनी चाहिए उसमें, उस पर ज़्यादा विचार हो रहा है आजकल। और ये सबसे बड़ी बात मैं समझ रहा हूँ कि अलग विषय, डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये सब तो हम मतलब इंटरव्यूज़ में बोलते ही हैं, लेकिन क्या असल में वो उतने डिफरेंट होते हैं? तो उतने डिफरेंट ना होने के बावजूद भी आपकी फिल्म डिफरेंट हो सकती है अगर आप कुछ अलग तरीके से ही उसका टेकिंग, जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं, अलग अलग शब्द बने हैं आजकल, तो एक चित्रपट के स्तर पर उसमें कुछ नया प्रयोग होना चाहिए, उसमें कुछ नया कंसेप्ट आना चाहिए, यू नो, उसको शूट करने का तरीका कुछ अलग ही है, ये दिखना चाहिए दर्शकों को, तो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे आप एक फिल्म मेकर हैं, तो आपका फिल्मों की तरफ एक अलग टेक है, तो सर 2018 और 17 में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई, ऐसी कोई
आपकी कोई पसंदीदा फिल्म है जिसका आप जिक्र करना चाहें और क्यों वो आपकी पसंदीदा फिल्म है? देखिए, मैं इस प्रकार का मनुष्य हूँ कि मुझे बहुत कम चीज़ें भाती हैं। मुझे अपनी खुद अपनी फिल्में भी ठीक ठाक ही लगती है, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। प्रामाणिकता से मैं जवाब दूँ आपको तो इस तरह से तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आजकल केवल नए विषय नहीं, उन नए विषयों को, उन अच्छी कथाओं को एक अच्छा चित्रपट बनाने के प्रयास हो रहे हैं। उसमें हमें, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें पूरी तरह से यश नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और कभी ना कभी अगले कुछ ही सालों में भारत में बहुत अच्छे चित्रपट बनना शुरू हो जाएंगे। केवल बोलपट नहीं, केवल जिसको हम टॉकी कहते हैं वो नहीं, एक चित्रपट के स्तर पर अच्छे चित्रपट हमें देखने को मिलेंगे, ये मेरी आशा है। सर, इसके अलावा वाइट स्क्रिप्ट के साथ आपने कोलैबोरेट किया था इस टीवीसी के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आगे आने वाले समय में क्या आप कोलैबोरेट करने वाले हैं वाइट स्क्रिप्ट के साथ? कोई नया सरप्राइज मिलने वाला है हमारी ऑडियंस को? अरे बिल्कुल, हम तो यहाँ पे आश्चर्यचकित करने के लिए ही बैठे हैं। अगर चित्रपट ने आश्चर्यचकित नहीं किया तो फिर वो चित्रपट ही क्या। तो ये एक अच्छी मित्रता हुई है वाइट स्क्रिप्ट के साथ और हम चाहते हैं कि हम आगे भी इकट्ठा काम करें और कुछ ऐसी कंसेप्ट आपके सामने बार बार लेके आए कि जिसको इतनी बड़ी, इतने बड़े स्तर पर जिसकी चर्चा हो, जिसके बारे में बात हो। सर, वाईकॉम 18 के साथ भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें आप उस बारे में। हाँ, एक चित्रपट मेरा पूर्ण हो चुका है, मराठी चित्रपट है, खटला बिटला इस नाम का, इट इज़ अ कोर्ट रूम सटायर। तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब प्रदर्शन की लाइन में खड़ा है। इस साल में कहीं आगे जाके आप उसे देख पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच।